नेक्स्ट लाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोन सरी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हैं। वह सोमवार को दिल्ली पहुंच चुकी हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत भी हो चुका है। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें 2019 के बाद ये हसीना की पहली भारत यात्रा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दिल्ली में है। इस दौरान वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी पहुंची। यहां उन्होंने आशीर्वाद मांगा। भारत आकर वो सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का भव्य स्वागत किया गया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाने पर भारत आई है। वह यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौता जल प्रबंधन, रेल, विज्ञान एवं सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में हो सकते हैं। इसी के साथ दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अंतरिम समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की पूरी तरीके से उम्मीद है। आपको बता दें भारत से बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करता है, जिसमें से 7 नदियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारा समझौते का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए की जा चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान देशों के बीच तेल पर भी बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा बातचीत के दौरान सुरक्षा, सहयोग, निवेश, व्यापार संबंध, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, साझा नदी के जल बंटवारे, जल संसाधन प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, नशीले पदार्थ की तस्करी और मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। साल 2021 में बांग्लादेश को आजाद हुए पूरे 50 साल पूरे हो गए। इस तरह बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को भी 50 साल पूरे हो गए। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने बांग्लादेश का राजकीय दौरा किया था। दिल्ली और ढाका सहित दुनिया भर की 20 राजधानियों में मैत्री दिवस का जश्न मनाया गया। इससे पहले साल 2015 के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 12 बार मुलाकात की है। आपको बता दें दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश माना जाता है। बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $9 अरब हुआ है। वित्त वर्ष की बात करें 2020 और 21 में बांग्लादेश भारत के चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। 2020 और 21 की तुलना में 2021 और 22 में बांग्लादेश में भारत का एक्सपोर्ट 66% बढ़कर $9.69 अरब रहा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार शेख हसीना जिन मुद्दों को लेकर भारत आई हैं, क्या उन मुद्दों को लेकर आगे की वार्तालाप वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस स्तर पर करती हैं और इसका आगे जाकर क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे इस वीडियो पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।